अगर आप सरकारी सेवाओं में जाकर समाज की सेवा करने का सपना देखते हैं तो सही रणनीति और सशक्त टीम के साथ करें तैयारी UPSC और MPPSC की हमारे साथ द नॉलेज कैंपस इंस्टीट्यूट इंदौर। दमोह में उपचुनाव के पहले बड़ी हलचल भई है, बड़ो घटनाक्रम भव है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री जयंत मलैया कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते होम आइसोलेट हो गए हैं। दरअसल जयंत मलैया की पत्नी और भाजपा नेता सुधा मलैया को कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए, इसके बाद उनकी जांच कराई गई है और मंगलवार तक उनकी जांच रिपोर्ट आए, लेकिन एहतियातन तौर पर सुधा मलैया होम आइसोलेट हो गई हैं, जबकि डॉक्टरों की सलाह पर खुद जयंत मलैया भी होम आइसोलेट हो गए हैं। सुने जरा क्या बोले हैं जयंत मलैया। रोज की तरह लगातार काम कर रहा था, जब आज मैं करीब 1 बजे दोपहर में लौट के आया तो मुझे पता चला कल से उनको बहुत फीवर था और कुछ सिम्टम्स दिख रहे थे, तो उसके बाद जब लगा के कोविड के सिम्टम्स हैं ये, तो कोरोना टेस्ट कराया है उन्होंने, अब इसकी रिपोर्ट मंगलवार तक आएगी, तब तक डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर वो भी उसमें हैं आइसोलेशन में, और मुझे भी डॉक्टर ने कहा है तब तक आप भी आइसोलेट रहें, तो मैंने भी अपने आप को तब तक के लिए आइसोलेट कर लिया। रिपोर्ट आने के बाद फिर आगे का देखा जाएगा। आप सभी लोगों से भी निवेदन है, बहुत तेज़ी से कोविड बढ़ रहा है देश में भी और शहर में भी, कृपया अपना ख्याल रखें। चुनाव प्रचार से सिद्धार्थ मलैया गायब हैं, जयंत मलैया कछु जगह चुनाव प्रचार के लाने निकले, लेकिन अब न केवल जयंत मलैया प्रचार से दूर हो गए हैं बल्कि कछु और उनके करीबी नेताओं को भी कोरोना के लक्षण दिखाई दे हैं। दमोह से ब्रजेश गर्ग, बुंदेली बौछार के लाने। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को यूट्यूब पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।